हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है सी बिहार। कहाँ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और इस चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ए 10 मार्च 1930, बी 12 मार्च 1930, सी 4 अप्रैल 1930 या डी 4 फरवरी 1922। तो यह आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायस राय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। ठीक है, दांडी मार्च किसके विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था? तो नमक कानून के विरोध में, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी कर लगा दिया गया था। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम लोग नमक पे कर नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। और यह दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था और दांडी नामक स्थान पे जाकर इन्होंने नमक बनाया और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगर यहीं पर पूछता कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और राष्ट्रपिता किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1919, 1920, 1921 या 1922। तो कब प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1920 में। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। ठीक है, और इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन पर कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी सी आर दास ने उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद अली बंधु तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सी आर दास ने असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925। तो यह फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में एक स्थान पड़ता है, में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले मारे गए थे, जिससे गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ था। इस कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
इस चौरा चौरी की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। चौरा चौरी भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अभी ऊपर ही पर लोग पढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो गोरखपुर में है। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? तो यह गोरखपुर जिले में घटी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन की विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम, या नमक कर के विरुद्ध? तो यह नमक कर के विरुद्ध लाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 31 में गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध को गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायस राय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, या डी, 1, 2 और 3? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 2 और 3, यानी कि भू राजस्व में 50% की कमी करना तथा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह 11 सूत्री मांगे निम्नलिखित हैं। पहला है कि भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किए जाएं, नमक कर समाप्त किए जाएं एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, सीआईटी विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ए, चंद्रशेखर आजाद, बी, सूर्य सेन, सी, भगत सिंह, या डी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में मारी थी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम बदल के अब चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही रख दिया गया है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकाल कर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, और बची गोली स्वयं पर दागकर आत्म बलिदान कर दिया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ए वी डी सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल या डी रास बिहारी बोस? तो यह वी डी सावरकर ने इसका आयोजन किया था। सन 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ए हरदयाल, बी भगत सिंह, सी मैडम कामा या डी श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका सही जवाब है ए हरदयाल। कौन? हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन या इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ए जतीन दास, बी अनंत गुप्ता, सी पोलिन दास या डी विनय बोस? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आप लोगों से मांगे हुए थे। वह प्रश्न था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो उसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने उस बुक को लिखा था। क्वेश्चन था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों, पेट की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।